हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल टीचर लर्निंग आई होप यू ऑल अ गुड एंड सेफ एट होम ओके सो द लास्ट क्लास वी हैव डन दिस द डेसिमल फ्रैक्शंस राइट इन वर्ड्स आई हैव एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट इन वर्ड्स लाइक बिफोर द पॉइंट्स पॉइंट के पहले एज यूजुअल जैसा हम लोग लिखते हैं वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड सेम वे वो वैसे ही रहता है जैसे यहाँ पे वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फोर है है ना पॉइंट के बाद जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस आते हैं पॉइंट के बाद क्या होता है फर्स्ट जो होता है वो हमारा वंस नहीं होता है वो टेंथ से स्टार्ट होता है और सब में टी एच एस लगता है टेंथ हंड्रेड थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड सब में टी एच और एस लगा है ठीक है टें हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड सब में टी एच एस लगा है ठीक है पॉइंट के पहले एज यूजल वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और पॉइंट के बाद वंस नहीं होता है टेंस हंड्रेड थाउजेंड और टेन थाउजेंड होता है ये हमने लास्ट क्लास में किया था लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू राइट द डेसिमल फ्रैक्शन अब आपको वर्ड्स में दिए गए हैं आपको उसका डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे इसके लिए हमें ये, हमें ये याद रखने की बहुत ज्यादा ज़र। ज़रूरत है कि पॉइंट के पहले बिफोर द पॉइंट एज यूजुअल नॉर्मल जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही होता है वंस टेंड्रेड थाउजेंड और पॉइंट के बाद वंस नहीं होता है से शुरू होता है टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड और सब में टी एच एस लगता है टें टॉपिक टूडेज टॉपिक इज राइट फ्रैक्शन सो नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं पॉइंट के पहले वहां कुछ भी नहीं है एज बिकॉज वहां कुछ नहीं है यहाँ पे जस्ट तो, जो होता है वो पॉइंट के बाद शुरू होता है ठीक है ये हो गया हमारा पॉइंट फाइव टेंथ इट मीन्स टेंथ के प्लेस में फाइव आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट के पहले वीविल जीरो सो हमारा आंसर हो गया जीरो पॉइंट फाइव क्लियर नेक्स्ट वन नेक्स्ट देखो थर्टी फाइव पॉइंट जीरो फोर थ्री ये तो सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ है थर्टी फाइव सो थर्टी फाइव पॉइंट लिखा है सो पुटा पॉइंट जीरो फोर थ्री मीन्स जीरो फोर थ्री सिंपल जैसे लिखा है इसका सेम वैसे का वैसे ही होगा राइट इन वर्ड्स मैंने आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है राइट इन वर्ड्स की मैं आपको इस वीडियो में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी आप उससे आप देख सकते हो उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए कि मैं यहाँ कैसे लिख रही हूँ मैंने वहां पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सी दिस वन सिक्सटी टू एंड फोर थाउजेंड एंड 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 फॉर हम कब लिखते हैं जहां पे पॉइंट होता है पॉइंट की जगह पे हम क्या लिखते हैं तो है? so मतलब आपका थाउजेंड की प्लेस में फोर तो उसके पहले आपका टेंथ और हंड्रेड के प्लेस में कुछ नहीं है सो वी विल पुट अ जीरो आपका टेंथ का प्लेस हंड्रेड प्लेस एंड नाउ कम टू द थाउजेंड प्लेस एज वी ऑल नो दही होता है पॉइंट के बाद वंस नहीं होता है, तो पॉइंट के बाद हो गया हमारा टेंथ हंड्रेड थाउजेंड थाउजेंड के प्लेस में फोर फोर थाउजेंड सो थाउजेंड के प्लेस में हो गया फोर सिक्सटी टू पॉइंट जीरो जीरो फोर दिस विल बी एयर आंसर ओके नेक्स्ट इज द फाइव हंड्रेड देखो यहाँ पे फाइव हंड्रेड मतलब पॉइंट के पहले कुछ नहीं है यहाँ पे पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं दिया गया है तो वी विल राइट जीरो पॉइंट जब भी पॉइंट के पहले कुछ नहीं होता ना तो हम उसे खाली नहीं छोड़ते देर वी विल पुट अ जीरो क्योंकि गया हमारे जीरो पॉइंट फाइव हंड्रेड हंड्रेड के प्लेस में फाइव हंड्रेड के पहले क्या होता है टेंथ सो टेंथ के प्लेस में जाएगा जीरो एंड फाइव जीरो पॉइंट जीरो फाइव क्लियर आई होप आपको समझ में आया हो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ओके सी पॉइंट पहले बिफोर द पॉइंट पॉइंट के पहले यहाँ जो नॉर्मल इट गोज ठीक है इसका आप राइट इन वर्ड्स वाला वीडियो देखोगे तो और आपको और अच्छे से क्लियर हो क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन वहीं पे दिया यहाँ पे बस मैं आपको बता ही रही हूँ यही मैं बोल सकती हूँ क्लियर ओके थैंक यू